मैंने, क्योंकि मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है। कोरोना से लड़ने की कितनी गंभीरता चाहिए, मुंबई की जामा मस्जिद कमेटी के इस संदेश से सीखें। बार बार हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। ये राम की नगरी अयोध्या है, जहां पुलिस की तैयारी रामनवमी को लेकर थी, लेकिन अब कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। देखिए, अपने यहाँ कोरोना एक महामारी के रूप में घोषित हो चुकी है, जिसके सबसे अच्छा उपाय है कि आपस में दूरी बनाए रखना और उसके जो भी तरीके हैं उनको उपाय में लाना, उपयोग में लाना। तो इसके तहत अभी आया राउंड पे हम लोग निकले और देखा गया कि मेडिकल स्टोर की जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए अभी चूने की लाइन डाली गई है, जिनको बताया गया कि 1 मीटर की दूरी प्रॉपर बनाए रखें। तो उसके तहत यहाँ पर एडवर्ड मेडिकल स्टोर पे अभी ये कार्य कराया गया और सबको एक लाइन में लगवाया गया, जिनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है उसको मेंटेन कराई। कोरोना से लड़ाई बेहद चुनौती भरी है। देश भर में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इसी वजह से देश के लगभग हर कोने में पूरी तरह या आंशिक तौर पर तालाबंदी कर दी गई। लगभग सब कुछ ठप करने के आदेश के बावजूद कई जगहों पर पुलिस को तालाबंदी का पालन करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के ज्यादातर स्टेट्स ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आपको एक स्टेट से यानी कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जाना है तो आपको स्ट्रिंजेंट चेकिंग के दौरान जाना पड़ेगा। देखिए, मेरे बाजू के अंदर एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस असेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, बिना किसी चेकिंग के एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाकी गाड़ियों की हम बात करें तो लोगों को अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ रहा है, अगर वो असेंशियल आइटम के अंदर आते हैं तभी उनको यहाँ से जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है। लोगों को घरों में रहने को लेकर क्यों बार बार ताकीद की जा रही, इसे WHO चीफ ने जो आंकड़े बताए हैं उससे समझ लीजिए। दिसंबर 2019 में चीन में जब यह महामारी फैली थी तो 1 लाख लोग 67 दिनों में संक्रमित हुए, लेकिन अगले 1 लाख के सिर्फ 11 दिनों में सामने आ गए। इसके बाद 1 लाख लोग सिर्फ 4 दिनों में कोरोना संक्रमित हो गए। WHO कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे 2 साइलेंट किलर्स पर भारत ने दुनिया को विजय दिलाई और अब भारत के पास कोरोना वायरस के संक्रमण से जीत दिलाने की क्षमता है। इंडिया हैज ट्रेमेंडस कैपेसिटीज, ऑल कंट्रीज हैव ट्रेमेंडस कैपेसिटीज, दैट कंट्रीज लाइक इंडिया लीड द वे एंड शो द वर्ल्ड व्हाट कैन बी डन एंड डू एज दे हैव डन बिफोर। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, इसके बाद राज्य अपने अपने तरह से सामाजिक दूरी का पालन करने को कह रहे हैं।